नर्मदे हर। मैं श्रीमती अर्चना गीते खोपोली से, वैसे मैं अपने प्यारे निमाड़ बढ़वा से रहने वाली हूँ और मैं आज आपको फायरलेस कुकिंग से एक मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ। वैसे ब्राह्मणों में कहा गया है कि ब्राह्मणम मोदकम अति प्रियम, तो इसीलिए मैं आपको मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ। और ये बगैर गैस से बनाई हुई है, तो इससे बच्चे भी बना सकते हैं और इसे हम शीतला सत्र में भी काम में ले सकते हैं। और ये जो अभिरुचि ने जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए अभिरुचि के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बनाते हैं कोकोपिस्ता कैंडी। मैंने इसमें लिया है एक कटोरी खोपरे का बूरा, एक कटोरी मिल्क पाउडर, आधी कटोरी शक्कर का पीसी हुई शक्कर, इलायची, पिस्ता और कलर के लिए ऑरेंज कलर लिया मैंने, और वनीला और थोड़ा सा दूध। अब हम लेते हैं इसमें ये सभी डाल देते हैं। ये डाला सारा खोपरे का बूरा, मिल्क पाउडर और ये शक्कर, पीसी शक्कर डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालते हैं, पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है अपना दो सब बने। ये सब थोड़ा थोड़ा डालना है। ये हो गया हमारा डो तैयार। अब इसको हम दो भाग में कर लेंगे, आधा इसमें निकाल लेते हैं और ये आधा दो बराबर भाग में लेके अब इसमें हम ये थोड़ा सा डाल देते हैं कलर, ऑरेंज कलर। आप चाहे तो दो कलर भी ले सकते हैं, मैंने एक ही कलर लिया है ऑरेंज। अब इसमें थोड़ा सा इलायची मिलाया है, थोड़ा सा एसेंस, एसेंस बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप जो भी लेना चाहें। इसको अच्छे से कलर आ जाए, अब हम ये बटर पेपर लेंगे, इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसे स्प्रेड कर दो, फैला दो थोड़ा थोड़ा। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं। बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगा दीजिए, तरह से ओवल शेप में बेल लीजिए। ये एक हमारा ये तैयार हो गया है। अब ये हमारा दूसरा जो व्हाइट कलर का डो है, अब आप चाहो तो दूसरा कलर भी डाल सकते हो और तीन कलर भी कर सकते हो, दो एक और भी कोई कलर करके इस तरह से बना लीजिए जैसे मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है। मैं इसको व्हाइट ही रखना चाहती हूँ। मैंने इस पे घी से लगा रखा है नीचे पेपर पे, और अब इसको घी लगा के रखा है और अब मैं इसको बेल रही हूँ। सेम शेप बना लो,
जैसा हमने ऑरेंज का कलर का शेप बनाया है वैसे ही सेम ये वाला शेप भी बना लो, चाहे ओवल शेप बनाओ चौकोर बनाओ, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। मैं अभी थोड़ा सा बना रही हूँ, ये हो गया हमारा, ये तैयार हो गया, इसको भी इसमें से काट देते हैं और इसको पूरे उठा के इस तरह से फिर इसके ऊपर रख देते हैं ये इस तरह से, और फिर हल्के हाथ से निकाल लीजिए इस तरह से, ये एक के ऊपर हो गए। अब हमको इसको धीरे से रोल करना है, इस तरह से रोल करते जाइए और ये फिर पेपर को निकालते जाइए, ये ऐसा रोल किया और फिर ये पेपर निकाल लिया, फिर थोड़ा सा रोल किया और फिर ये पेपर निकाल लिया, इस तरह से ये पूरी तरह से रोल हो गया है। अब हम इस पे पिस्ता लगा देते हैं, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इस पे पिस्ता लगा देंगे इस तरह से, इसको ऐसे रोल करते जाइए और पिस्ता लगाते जाइए, ये देखिए हमने पिस्ता लगा दिया है, ये भी पूरी तरह से पिस्ता लग गया है इसमें। अब इसको हम इस पे ही इस तरह से इसको पैक कर लेंगे और एक घंटे के लिए फिर फ्रीजर में रख लेंगे, फिर एक घंटे बाद फिर इसको हम निकालेंगे। ये हमने इसको एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, अब मैं इसको एक निकाला है मैंने बाहर, एक घंटा हो चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे इससे फ्री करेंगे और देखो ये पिस्ता कितने अच्छे से जम गया है इस पर, कितना प्यारा दिख रहा है, बच्चों को कितना पसंद आएगा इसे कलरफुल। अब हम इसको छोटे छोटे कैंडी जैसे छोटे छोटे पीस में काटते जाएंगे, ये मेरी ये बन गए हैं छोटी छोटी सी कैंडीज, देखिए कितने प्यारी दिख रही है ये।